सोमवार को रामगढ़ में गोविंदगढ़ मोड़ पर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्याम सखा मंडल व श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति रामगढ़ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा गुरु जी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वप्रथम बाबा श्याम की वंदना के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में मंदिर निर्माण व जागरण को लेकर चर्चा की गई और मंदिर निर्माण कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए आचार्य ललित मोहन ओझा ने कहा, रामगढ़ में जल्दी ही श्याम बाबा के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बैठक के बाद तिजारा पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा अलावड़ा पहुँचे और अलावड़ा में भी श्याम बाबा के मंदिर निर्माण के बारे में श्याम सखा मंडल सदस्यों से विचार विमर्श किया। अलावड़ा में गत माह 25 अप्रैल को हुए श्याम बाबा के जागरण के दौरान स्थानीय निवासी मधुसूदन शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा, अनिल शर्मा व स्वर्गीय सरपंच श्री लाल शर्मा परिवार की तरफ से आधा बीघा भूमि मंदिर निर्माण के लिए दान दी गई है। रामगढ़ में बैठक के दौरान जवाहरलाल तनेजा, श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल, दिनेश चौहान, दिनेश शर्मा एडवोकेट, फिरोजपुर से मनोज अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, अमित कुमार भारद्वाज, महेंद्र गोपालिया, राकेश मित्तल, गौरव सोनी, रोहित जैन, रोहित खंडेलवाल, रामोतार शर्मा, बाबूलाल मित्तल, राजू अरोड़ा, शंकर श्रीवास्तव, तन्नु कुकरेजा, हरीश बेनीवाल, संदीप सेन, राहुल सैनी, गणेश पराशर, अंकिता अरोड़ा, रवि सतीजा, शुभम, अमित गर्ग, चिराग साहू, अविनाश छाम, मनीष खंडेलवाल, लक्ष्मण अग्रवाल, चिम्मन सैनी आदि मौजूद रहे। बैठक में मंच संचालन मदन लाल मुखिया द्वारा किया गया। इधर अलावड़ा में आनंद गोयल, देवेंद्र सिंघल, ब्रजभूषण शर्मा, संजय सिंघल, योगेश छिलवाड़, अमित शर्मा, राधेश्याम गेरा मौजूद रहे।